प्रातः क्लास चल रहा था 25 मई 1968 शनिवार को, तीसरे पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी, ये जो 84 का चक्कर है सो उसको दिल में याद करो। तुम्हारा नाम ही है कि आत्मा को स्व का 84 जन्म के चक्कर का ज्ञान हुआ। कौन सी आत्मा को? पहले कौन सी आत्मा को 84 चक्कर का ज्ञान हुआ है? जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है उसे आदम कहो, आदिदेव कहो, शंकर कहो, उसका दिल कौन है? उसके दिल में भी 84 का चक्कर घूमना है। उसके बाद सबसे पहले किसके जय कहेंगे? उसके दिल में ही 84 का चक्कर घूमना। दिल किसे कहते हैं? भावना को या बुद्धि को? है भावना को कहते हैं। तो भावनावादी पार्ट अव्वल नंबर है किसका? है कहेंगे ब्रह्मा बाबा का है, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यही कहेंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा को भी जन्म किस के द्वारा मिला है? ब्रह्मा बाबा से भी पावरफुल कोई आत्मा है, जो बुद्धि में बच्चा बुद्धि है, आति लक्ष्मी, उसे आति लक्ष्मी कहो, राधा कहो, पार्वती कहो, अदिति कहो। तो वो दिल की भी अम्मा है या नहीं है? है? उसे दिल की भी अम्मा है। और उसे दिल को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किसके द्वारा हुआ है? अगर ओम मंडली में जाएं गहराई में तो देखेंगे कि वो सुप्रीम सोल शिव ने आदि पिता आदम में प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान आवाज में आया या नहीं आया? हा आवाज में तो आया, लेकिन आवाज करने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा कौन है? क्योंकि कलयुग के अंत में पंडित सोई जोई गाल बजावा है तो कहेंगे जगदम्बा। जगदम्बा ने जो ज्ञान सुना तो सिर्फ कानों से सुना और मुख से बोला, बुद्धि से समझा? जब तक सुना न जाए तब तक समझा जा सकता है? है? समझा जा सकता है?
तो राधा ने भी सुना तो किसके मुख से सुना है? किसके मुख से सुना है? बड़बोली माता के मुख से सुना सिर्फ नहीं, शिव बाप आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो जगदम्बा ने जो साक्षात्कारों की बात सुनाई है, वो तीनों मूर्तियों ने सुनी या नहीं सुनी है? नहीं सुनी, तीनों मूर्तियों ने सुनी, और सुनने के साथ ही साथ समझा किसने? तीन मूर्तियों में से पहले किसने समझा? कहेंगे आदि नारायण कहो है, उसको आदिदेव कहो, महादेव कहो, आदम कहो। उसने सुना भी और सुनने के साथ साथ बुद्धि से, बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री है ना कि नहीं? त्रिनेत्री है। तो सुनने के साथ साथ ही उसके अर्थ कोई भी गहराई को समझ लिया है, समझा और सुनाया किसको? जो दो माताएं थी दोनों को सुनाया कि एक को ही सुनाया? दो हा? सुनाया तो दोनों को, लेकिन एक बड़ा बोली थी तो बोल बोल करने में रहती है, सुना तो लेकिन समझा नहीं। और दूसरी माता ने सुना भी और समझा भी, क्यों? बुद्धि में तीखी होगी कि नहीं? बुद्धि की देवी होगी या नहीं होगी? बुद्धि की देवी। तो वो बुद्धि की देवी जिसे कहा जाता है तो वो आदि लक्ष्मी। बुद्धि किसे कहा जाता है? आत्मा ही तो बुद्ध है, प्रबुद्ध होती है नहीं? आत्मा ही प्रबुद्ध होती है और आत्मा ही बुद्ध बनती है। तो ये जो तीनों आत्माएं हैं उनमें सबसे जास्ती बुद्धू कौन बनता है कलयुग के अंत में? देह देह की इंद्रियों के सुख भोगते भोगते, अरे तीनों में नंबर वार होंगे कि सब नंबर बनोगे? आदि पिता। तो आदि पिता सबसे जास्ती नीचे, जो सबसे ऊंचा उठता है वो सबसे नीचे गिरता है बुद्धि में, पत्थर बुद्धि। उसके बाद है, उसके बाद कौन, किसको कहेंगे? जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा के बाद लक्ष्मी पहले कौन समझती है बोली हुई बात को है? आदि पिता के बाद आदि लक्ष्मी समझती। तो जो आदि लक्ष्मी है वही आत्मा का रूप है जिसे परा प्रकृति कहा जाता है। आत्मा कहो, प्राणवायु कहो, क्या ये प्राणवायु जब निकल जाती है शरीर में से तो शरीर मुर्दा हो जाता है ना? नहीं? हाँ, मुर्दा हो जाता है। तो देखो उसने सुना भी और समझा भी, माना
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाप ने प्रवेश करके जब आत्मा का ज्ञान दिया कि बच्चे तुम ज्योति बिंदु हो, अनुरूप हो, तो उस समय उस ज्ञान को किसने पहले धारण किया, कौन सी आत्मा ने? है आदि लक्ष्मी ने धारण किया, माना प्रजापिता ने सुना तो धारण ही किया, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा बाद में आती है बेसिक ज्ञान में या पहले आती है? पहले आती है, बाद में आती है ना, पहले कौन आती? पहले दिखाते हैं कि राधा का जन्म हुआ है ना, तो जो जिसे राधा कहो, पार्वती कहो, आदि लक्ष्मी कहो, अदिति कहो, बताया ना, तो वो आत्मा से ही प्रजापिता को भी सुनना पड़ता है, क्या दूसरे जन्म में आकर के सुनना पड़ता है ना, क्या कि तुम क्या हो, तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो। तो देखो उसे राधा को दिल कहेंगे कि दिमाग कहेंगे? दिल कहेंगे, लेकिन बड़ा दिल कहेंगे या जो बड़बोली माता थी उसके मुकाबले छोटा दिल कहेंगे? बड़ा दिल कहेंगे। अच्छा, बड़ा दिल है तो जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में जो आसुरी बच्चे होते हैं, राक्षसी बच्चे होते हैं ना, राक्षस किसे कहा जाता है? जानवरों से भी बदतर होते हैं कि नहीं? नहीं, जानवर होते हैं, वो जानते हैं कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है, जानते हैं? जानते हैं, वो भी नहीं जानते। तो व्यवहार कैसा करेंगे? मां बहन और बेटी जैसा व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बड़ा बोली माता में ये शिफ्ट है, क्या कि जब वो इस सृष्टि रूपी चक्र में कोई बड़े से बड़े राक्षसी आत्माएं क्यों न हो, कौन को भी जन्म देने के निमित्त बनती है या नहीं बनती है? बड़े से बड़े राक्षसी आत्मा कौन है? सब राक्षसों का बाप ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कोई बाप नहीं, उसको जन्मदाता कोई नहीं है? अरे आंखें फाड़ के रह गया, बताता कुछ भी नहीं, हवा निकल गई। प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो है तो क्या माता है या पिता है? आत्मा तो है लेकिन पिता रूप में है ना, तो जो पिता है और वो जगदम्बा वाली आत्मा माता के रूप में थी, तो ज्यादा सहन शक्ति किस में होती है? माता में ज्यादा सहन शक्ति। और दोनों माताओं के बीच में ज्यादा सहन शक्ति किस में कहेंगे? हैं, जगदम्बा में। क्यों? कारण
है लक्ष्मी में क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि लक्ष्मी वाली आत्मा जो है ना, वो ज्ञान सूर्य से सबसे पहले कनेक्टेड होती है। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है ना पुरुष रूप में, उससे कनेक्टेड होती है। तो उसमें सामना करने के गुण आएंगे या नहीं आएंगे? सामना शक्ति करने के, सामना करने के गुण आ जाते हैं। और इतना गुण आ जाते हैं कि वो समान बन जाती है। किसके समान? आदि पिता के समान शक्ति वाली बनती है ना, तब तो विष्णु को आ जाता है। विष्णु माने आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का। आधे संस्कार स्वभाव स्त्री के, आधे स्वभाव संस्कार पुरुष के। अब उसको विष्णु कह दो या अर्धनारीश्वर, कौन? महादेव कह दो, शंकर कह दो। शंकर को भी अर्धनारीश्वर कहते हैं कि नहीं? हाँ, अर्धांगिनी होती है कि नहीं? हाँ, होती है। तो देखो, वो पुरुष रूप है, और पुरुष रूप जितने भी होते हैं कलयुग के अंत में, वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। नहीं, बनते हैं। और जो माताएं हैं उनको ये नहीं कहेंगे कि वो दुर्योधन दुशासन है। क्यों? कि वो तो फीमेल प्लक हैं, है? वो शक्ति देने वाली हैं कि नहीं? शक्ति दाता हैं। उनको शक्ति डायरेक्ट किससे मिलती है? ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट शक्ति मिलती है ना। तो जैसे पत्नी को शक्ति किससे मिलती है? जो लाल पैदा करती है, पावरफुल पैदा करती है कि नहीं? हाँ, कन्याएं भी पैदा होती हैं, लालियां भी पैदा होती हैं, लेकिन लाल भी पैदा करती है। तो भगवान जो है वो पुरुष रूप में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष रूप में क्यों आता है? क्योंकि पुरुषों में सामना करने की भी शक्ति होती है। और अगर पुरुष कोई है पक्का पुरुषार्थी 100%, तो वो सहन भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? और वो अनेक नहीं हो सकते जिसमें सहन शक्ति भी 100% हो और सामना करने की भी शक्ति 100% हो। वो तो एक ही आदम है। क्या? कि जब वो आत्मिक रूप में टिक जाता है, मनन चिंतन मंथन करते करते आत्मा का पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा हूं जिसमें ये 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तो वो आत्मा है अव्वल नंबर आत्मा कही जाएगी या द्वयम नंबर आत्मा कही जाएगी? अव्वल नंबर आत्मा। फिर लक्ष्मी दो नंबर की आत्मा। अच्छा, माने वो प्राणवायु नहीं है लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी जो भी जो है ना, वो भी तो समान संस्कारों वाली बनती है ना। है किस आधार पर? इसी आधार पर समान शक्ति वाली बनती है संघ के रंग से, क्यों? उसमें प्योरिटी की पावर स्त्री चोला होने की वजह से जास्ती है। स्त्री चाहे अगर अपनी पर उतर आए तो वो है तो वो मुकाबला कर सकती है कि नहीं? आक्रामक जो विकारी दुर्योधन दुशासन पुरुष होते हैं, उनका मुकाबला कर सकती है कि नहीं? है? कर सकती है। और जब मुकाबला कर सकती है तो वो
सहन शक्ति की पराकाष्ठा हुई या नहीं। लेकिन एक तो मुकाबला करना हो, ये होता है कि भाई प्रभावित हो जाना है ना। तो जो प्रभावित हो जाती हैं बच्चों से है? जो माताएं अपने बच्चों से प्रभावित हो जाती हैं तो उनको क्या कहेंगे, पावरफुल या कमजोर? पावरफुल माता कहेंगे, कमजोर माता कहेंगे। लेकिन अदिति कहो, राधा कहो, या उसे क्या कहो, आदि लक्ष्मी कहो, वो झुकती है, प्रभावित होती है पुरुषों से, जो दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं कलयुग के अंत में, तामसी होती है। नहीं, वो सिर्फ एक ही है जिससे प्रभावित होती है, बाकी किसी से प्रभावित होने वाली नहीं है। कौन? आदि लक्ष्मी और बड़बोली माता। बड़बोली माता जो भी आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं है, उनसे प्रभावित तो होती है, और प्रभावित होने के कारण उनका मुकाबला नहीं करती। क्या मुकाबला माने? जैसे बौद्धि है, तो बौद्धियों ने क्या किया, मुकाबला किया या बखड़े हुए? बखड़े हुए। वो भागने वाली नहीं है, नहीं है, है? नहीं है। अच्छा, शूटिंग पीरियड में आ जाओ, रिहर्सल काल में, ब्रॉड ड्रामा की जब रिहर्सल होती है शुरू है, होती है कि नहीं, तो प्रभावित होती है कि नहीं? और प्रभावित हो करके जो प्रभावित हो जाए तो कमजोर हुआ ना, प्रजा हुआ ना, और प्रजा हो गई तो भागेगी कि नहीं? जगदम्बा का जो पार्टधारी है वो भागती है कि नहीं है? भागती है। लेकिन परमिशन लेके भागती है या बिना परमिशन के भागती है? परमिशन लेके भागती है। और है? नहीं बुद्धि चल रही? जगदम्बा परमिशन लेके भागती है, लेकिन परमिशन भी इसलिए दिया जाती है कि वो अपना पूरा पोता मेल देती है। तनका पूरा पोता मेल नहीं देती है, इसलिए भागना पड़ता है। समझा? तो मुख्य बात क्या हुई है, ईश्वर का बच्चा बनने के बाद मुख्य बात हुई अपना सच्चा पोता मेल देना। हा? उससे आत्मा पावरफुल बनेगी। जो सदगुरु है, जो आत्मा सदगुरु है, उसके सामने अपना पूरा सच्चा पोता मेल देना तो आत्मा पावरफुल बनेगी, या न देना तो पावरफुल बनेगी? देना, पूरा सच्चा पोता मेल मिलता है तो आत्मा बहुत पावरफुल बनती है। लेकिन जो आत्मा एडवांस ज्ञान में आएगी ही बाद में, पूरा एडवांस ज्ञान डिटेल में बाद में सुनेगी, तो बाद में ही पोता मेल देगी या पहले दे देगी? बाद में ही देती है ना, लेकिन देती तो है, है? पूरा पोता मेल देती है, इसलिए क्या बन जाती है, नारी से लक्ष्मी बन जाती है। तो देखो, सारा मदार पुरुषार्थियों का किस बात के ऊपर आ जाता है?
तन का, मन का, धन का, मन के अंदर जो भी संकल्प आए उन सब का सच्चा पोता मिल देने वाला है, उसको कहते हैं है, बाप का सच्चा बच्चा। तो उसके लिए तो बाप ने बता दिया मुरली में, क्या क्या बताया है? सब राजी, वो तो ठीक है, सच्चे से सब पसंद होते हैं। हाँ, कोटों में कोई है, कोटों में करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कितने असली पुरुषार्थ करने वाले? 2 करोड़ हुए ना जो नारायण का पद पाते हैं, है ना? नहीं, हाँ, नंबर वार नारायण बनते हैं सतयुग में। तो वो है जो नंबर वार नारायण की आत्माएं बनती है, परंतु उनके भी कोई बाप हैं या नहीं? कौन, किन्हें कहा जाता है बाप? उनके भी बाप हैं, सब नारायणों के बाप। प्रजापिता सब नारायणों का बाप बनता है, सबका बाप बनता है। अरे प्रजापिता बाप बनता है कि बाबा बनता है, प्रपिता बन रहा है, पितामह बनता है, क्या बनता है? बापों का बाप बनता है कि बाप बनता है? बाप माने बीज, जो बीज डालने वाला है उसको कहते हैं बाप। तो वो सातों नारायण उनके सातों अलग अलग बीज होंगे, एक जैसे ही होंगे? सब प्रजापिता होंगे, अलग अलग बीज। तो जो अलग अलग बीज हैं वो ही वास्तव में नौनाथ कहे जाते हैं। सबसे ऊंचा नाथ कौन हुआ? अव्वल नंबर जो नारायण है, आदि नारायण, उसमें ज्ञान का बीज डालने वाला कौन है? अरे ज्ञान सूर्य शिव, जो सदा शिव है, सदा ज्योति है, है उसकी ज्योति कभी उजियानी होती नहीं। तो वो ज्ञान सूर्य जो है वो है सुप्रीम सोल, जिसे कहा जाता है ना? वो अंग्रेजी में जो सुप्रीम सोल है वो बीजों का बीज, बापों का बाप है, आदम का भी, आदम का भी बाप है। तो देखो जो आदम का भी बाप है वो सभी नारायणों में जितने भी बाप हुए, जितने भी बीज रूप बाप हुए, उन सब का बाप हुआ। तो कहेंगे कि नौ आदि है, आदि षष्ठि में नौ नाथ हुए जिन्होंने नाथ डाली है। क्या नाक में नटकेल डाली जाती है वो बैल भी कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं? हाँ, तो ये नारायण जो है वो नौ प्रकार के बैल हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, उनमें अव्वल नंबर बैल कौन है? है? अव्वल नंबर बैल है प्रजापिता, और दोयम नंबर बैल ब्रह्मा बाबा। तो जो अव्वल नंबर बैल है, जिसे आदम कहें इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उस बैल के खासियत क्या है? बैल के शरीर को देखने से क्या पता चलता है कि जो और जानवरों में नहीं दिखाई पड़ती है वो खासियत?
उसके कंधे पर गुम्बड़ होता है, शिवलिंग जैसा होता है कि नहीं? तो वो ज्ञान श्याम ज्ञान सूर्य शिव की प्रवेशता की निशानी है। इसलिए जो गिर गाय नस्ल का जो सांड होता है ना, उसकी खास पहचान होती है क्या? उसके कंधे के कंधों के ऊपर है वो गुम्मड़ होता है शिवलिंग जैसा। तो वो तो साकार है, ये कोई निराकार है? वो साकार है। बड़े पे बड़ा गुबल शिवलिंग निराकारी ज्योतिर्लिंग को धारण करने वाला, ज्योति रूप को धारण करने वाला है वो बड़ा बैल हुआ, प्रजा का पिता, माने 500-700 करोड़ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी प्रजा है मनुष्य मात्र की, उन सब का पिता है। तो उस पिता को कहेंगे बुद्धिमानों की इस मनुष्य सृष्टि में बुद्धि कहेंगे, कहेंगे। और उसकी भी कोई बुद्धि है? उसकी बुद्धि है वो परम पिता, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, सदाशिव ज्योति है, जो कभी उजियानी, जिसकी ज्योति होती ही नहीं। तो बताया कि बाप आते हैं, बापों का बाप सुप्रीम सोल, तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, तो ये 84 के चक्र का ज्ञान होता है। किसके द्वारा? दिल के द्वारा होता है या दिमागी के द्वारा होता है? दिमागी के द्वारा होता है। अच्छा, दिमागी कौन है? दिमागी तो कहेंगे कि आदिदेव दिमागी है, जो दिमाग चला चला के है, मनन चिंतन मंथन कर करके, ज्ञान सागर का पाठ बजा बजा के सारे ज्ञान की गहराई को पकड़ता है, नहीं पकड़ता? ब्रह्मा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन विष्णु का, और विष्णु से ज्यादा मनन चिंतन आदि आदि पुरुष आदम का। तो बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि अकेली को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या बुद्धि के साथ दिल को भी प्रेफरेंस देना चाहिए? तो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है आदम, लेकिन क्यों है? क्योंकि वो तीव्रतर पुरुषार्थ करता है 100%, तो फिर वो शरीर को भूल जाता है। देह याद रहती है? देह याद नहीं रहती। और देह याद ही नहीं है तो दिल काम करेगा? दिल काम नहीं करता। देह में दर्द भी होगा तो पता चलेगा? उसका सर भी काटा जाए, गला गला काटा जाता है ना, तो पता चलता है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिका हुआ। ऐसी जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं कितने, उनको कौन सी माला कहा जाता है? रुद्र माला कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी है? 2.25 लाख। वो 2.25 लाख ऐसी आत्माएं योद्धा हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाए सकते नहीं। क्या युद्ध की बात आती है, चाहे शारीरिक युद्ध हो, चाहे मनसा का युद्ध हो, चाहे वाचा का युद्ध हो, सर झुकाई देती है।
तो युद्ध में जो कभी हारते नहीं है उनको क्षत्रिय कहा जाता है। और भारतवर्ष की हिस्ट्री में राजाएं कौन बने हैं जिनमें मुकाबला करने की शक्ति होती है, सामना करने की शक्ति होती है, वो बने, या जो मुकाबला करते ही नहीं, सहन कर लेते हैं, वशिष्ठ जी महाराज की तरह वो राज्य करते हैं। राज्य अगर लेना है तो फिर क्या, बाप आकर के ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं और साथ साथ विश्व के ऊपर कंट्रोल करना है, है? जगतनाथ बनना है, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं का नाथने वाला विश्वनाथ बनना है, तो क्या बनना पड़े, क्षत्रियों का गुण भी धारण करना पड़े या नहीं ग्रहण करना पड़े, क्षत्रियों में क्या खास बात होती है? देखा झाड़ के चित्र में देखो, सामना भी कौन सी ताकत के आधार पर करते हैं, झाड़ के चित्र में देखो है क्या है? देखो ध्यान से, छत्र दिखाया जाता है ना, है जो छत्र है वो कौन है, छत्र छाया शिव बाप ही छत्र छाया मुआफिक काम करता है, वो निराकार ज्योति जो है वो राम वाली आत्मा की सुरक्षा करती है या नहीं करती है। जिसने हिम्मत की, क्या हिम्मत की, जो दुनिया में कोई भी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी हो, उन्होंने वो हिम्मत नहीं कर पाई और वो हिम्मत करके विश्व की बादशाही नहीं दे पाई। तो ऐसी विश्व की बादशाही जो सुप्रीम सोल बाप से लेते हैं, लेता है, उसको कहा जाता है क्या, विश्व का बादशाह। और संगम युग में विश्व का बादशाह बिना तो जन्म जन्मांतर भी उसको कोई कंट्रोल कर सकेगा, नहीं कंट्रोल कर सकता। तो वो भी बादशाही तब मिलती है जब उसके अंदर भावना समा जाए। लेकिन पुरुषों में भावना होती है, पुरुषों में भावना नहीं होती। किसमें भावना होती है, जो स्त्री का स्वभाव संस्कार वाला होगा तो उसमें भावना भी होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा में भावना थी या नहीं थी, ब्रह्मा बाबा में भावना थी। और जगदम्बा में भावना, वो रुद्रमाला का वर्णन का पुरुष रूप नहीं है स्वभाव संस्कार से। फिर हाँ, मंडली में आदि में पहुंचो ना, आदि सोहंत देखा जाता है कि दूसरी बात देखी जाती है। आदि में है तो रुद्रमाला का मणका है जगदम्बा के, विजयमाला का मणका है। एक माता है विजयमाला का मुखिया और दूसरी माता है बड़बोली रुद्रमाला का मणका है कि नहीं। और उनमें एक है रुद्र का भी गुण है, उसमें सामना करने का भी शुद्ध रूप है, रौद्र रूप भी धारण करता है कि नहीं, और मुलायम भी बनता है कि नहीं। वो मुलायम सिंह यादव भी बन जाता है। कैसे, कैसा मुलायम, जैसे दिल बहुत मुलायम होता है, कहते हैं ना शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। तो कोई शहर है जो बार बार टूटता है हिस्ट्री में, है एक अक्षर लिखो समझ लेंगे, दिल्ली। दिल्ली दिल ऐसा है
जो शीक से की तरह टूटने वाला है लेकिन टूटता तो है। क्यों टूटता है? प्रभावित होने वाला टूटता है कि न प्रभावित होने वाला टूटता है? प्रभावित होने वाला टूटता है। तो जगदम्बा वाली आत्मा किससे प्रभावित होती है? संसार रूपी वृक्ष में, सृष्टि वृक्ष में, ब्रह्मा से प्रभावित होती है। अच्छा, ओम मंडलिंग है, ओम मंडली में किससे प्रभावित होती है? अरे ब्रह्मा से प्रभावित हुई ना, पीछे पीछे भाग गई ना, नहीं भागी? भाग गई। लेकिन जब प्रजापिता का साथी बन करके आई थी तो प्रभावित होकर के आई थी या बिना प्रभावित हुए आई थी? प्रभावित होके आई थी। तो कमजोर हुई प्रजा हुई या नहीं? प्रजा हुई ना। तो ये यही जगदम्बा का पार्ट है। जब सात्विक स्टेज में होती है तो जगत की अम्बा, और जब देह के सुख भोगते भोगते तामसी बनती है, बच्चों के संग के रंग में आते आते, तो फिर ऐसी तामसी बन जाती है कि महाकाली का रूप धारण करती है, परंतु महाकाल के सामने झुकना पड़ता है कि नहीं? झुकना पड़ता है। तो बताया कि दिल होता है नीचे और दिमाग होता है ऊपर, है ना? हा, तो इसीलिए दो माताओं के बीच में ऊंचा पद किसको कहेंगे? जगदम्बा को कहेंगे। क्यों? वो आत्मा है पक्की, आत्मिक स्थिति में रहने वाली है। ये देवान आ जाता है आदि लक्ष्मी है, वही ऐसी एक माता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो प्राणवायु का पार्ट बजाती है। प्राणवायु होती है ना, वो जिस जिस प्राणी में प्रवेश करेगी तो वो चैतन्य बन जाता है या नहीं? माँ के पेट में पहले जड़ पिंड होता है और वो प्राणवायु प्रवेश करती है तो चैतन्य हो जाता है। ओम शांति।